अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम। टुडे आवर सब्जेक्ट नेम इज़ मैथ्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क, लेट्स रिसाइट द दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथ बुक एंड ओपन द पेज नंबर 71। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू टॉपिक। टॉपिक नेम इज़ सब्ट्रैक्शन। सबको पता है व्हाट इज़ सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को, ठीक है? हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर में से, ठीक है? जो नंबर्स हम लोग जो है, जो हमारे पास नंबर्स दो नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास बड़ा नंबर है उनमें से हम लोग छोटे नंबर को माइनस करते हैं, निकालते हैं, टेक अवे करते हैं, ठीक है? तो हम लोग अपना काम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट बाय वर्टिकली एंड देन हॉरिजेंटली। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पे वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों वे से सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन को, ठीक है? मिस ने एडिशन के सम्स भी आपको बताए थे कैसे हम लोग सॉल्व किए थे वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। सेम हमने यही सम्स करने हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, बट यहाँ पे मेथड चेंज है। हम वी यूज़ हेयर सब्ट्रैक्शन साइन। अब हम लोग कौन से साइन को यहाँ पे यूज़ करेंगे? सब्ट्रैक्शन के साइन को। इज़ दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट मैं आपको क्या दिया है, 19 सब्ट्रैक्ट 3। 19 इज़ अ बिगर नंबर एंड 3 इज़ अ स्मॉलर नंबर। सो आपने क्या करना है, वर्टिकल में हम लोग ऐसे फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऊपर 3 के ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ? 9। 1 जो है वो अलग है, 9 यहाँ पर अलग है, लेकिन हम लोग पढ़ते एक साथ हैं, ये 19 है, लेकिन हम लोग 9 से नीचे देखेंगे यहाँ पे 3 है। तो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही होगा कि हमने 9 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये 9 लाइंस हैं। अब मैंने कितनी लाइंस को कट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेक अवे। 1, 2, 3 लाइंस कट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच नंबर इज कम्स आउट? 6, ठीक है? हेयर इज़ 1। अब देखेंगे 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 1 एज इट इज़ जो है वो नीचे आ जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा, 19 सब्ट्रैक्ट 3 इज़ इक्वल टू 16। यानी अगर 19 में से हम 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारे पास, कौन सा नंबर? 16 आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको, अब यहाँ पे भी आपने जो आंसर यहाँ आया है वो सेम आंसर होगा, बट यहाँ पे इनकी डायरेक्शन चेंज है। ये वर्टिकली सब्ट्रैक्शन है और ये हॉरिजेंटली सब्ट्रैक्शन है, ठीक है? नंबर सेम है 19 एंड 3। हम दोनों वे से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम वर्टिकली भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, ठीक है? अब नंबर सेम है, इट्स मीन्स इनका आंसर भी सेम होगा। आपने 19 लाइंस को ड्रॉ करेंगे एंड कट करेंगे 3 लाइंस को, तो क्या आंसर आ जाएगा? 16। इज दैट क्लियर? ओके, एक और सम आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। 18 माइनस 7 एंड 18 माइनस 7, दिस इज़ वर्टिकल सम, दिस इज़ हॉरिजेंटली, ठीक है? ये वर्टिकली हमें सॉल्व करना है, ये हॉरिजेंटली सॉल्व करना है, बट नंबर्स जो है हम दोनों में सेम है। ये दोनों में नंबर सेम है, सिर्फ मेथड जो है वो चेंज है। ये वर्टिकली सब्ट्रैक्शन है, ये हॉरिजेंटली सब्ट्रैक्शन है, ठीक है? वर्टिकल में फर्स्ट हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, 8 सब्ट्रैक्ट 7। अगर हम 8 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन वी आर गोइंग टू कट 7 लाइंस। नीचे आपको सेकंड नंबर क्या है, 7 दिया है, तो हम कितनी लाइंस को कट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, विच नंबर कम्स आउट? 1। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम नंबर 8, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को 8 में से, तो कितना नंबर हमारे पास आ जाएंगे, कितने नंबर रह जाएंगे? 1, ठीक है? देन 1 के बाद जो है नीचे कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो विच नंबर कम्स आउट? 11, ठीक है? 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11। इसी तरह हम हॉरिजेंटल में करेंगे, 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11, क्योंकि दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम हैं, इसीलिए आंसर भी सेम होगा। अगर यहाँ पे नंबर चेंज होते, इट्स मीन यहाँ पे आंसर भी चेंज होता। इज़ दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज़ वर्टिकल सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज़ हॉरिजेंटली सब्ट्रैक्शन। Do this exercise at your home. If you have any problem, watch this video again. I will be back with another topic. Till then, Allah Hafiz. Jazakallah.